नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज बात करेंगे Instagram के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Instagram पे पेज क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या हैं आप एक क्रिएटर, तो कैसे अपने प्रोडक्ट को या अपनी क्रिएटिविटी को पोस्ट करके आप Instagram पेज से पैसे कमा सकते हैं। तो सब कुछ विस्तार से आप जान पाएंगे और पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे उसमें पोस्ट करना है और किन तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप Instagram पे पेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें आप पोस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो साथ में मैं आपको बगल में डेमो दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि कैसे पेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना Instagram जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरा Instagram जो है वो ओपन हो चुका है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे में कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। वहीं पे ऊपर में लेफ़्ट साइड में आपको थ्री डैश का आपको इस तरह से निशान नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट में, अकाउंट में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा स्लाइड अप करेंगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन का नाम है ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। जी हाँ, आपको यहीं पे क्लिक करना है। इसी के बाद आप जो है पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे गेट अ फ्री प्रोफेशनल अकाउंट। जी हाँ, अब ये फ्री में प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, अगर अपने फॉलोअर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ कुछ टिप्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कैटेगरी का। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कैटेगरी जो है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो ब्यूटी कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर से रिलेटेड है, या आप फोटोग्राफ़र हैं अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ़र के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैं वीडियो क्रिएटर, जी हाँ, जैसे मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो क्रिएटर के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगर अगर आप हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका बैंड है, म्यूजिशियन है आप, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं वीडियो क्रिएटर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं डन करता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे देखने को मिला और यहाँ पे कंटिन्यू एज अभय शाह 44 जो कि मेरा Instagram का जो ID है, तो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, पेज क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस पेज को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आप चाहे तो अपने प्रोफेशनल पेज पे स्विच कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको वापस आना हो तो आप अपने पर्सनल अकाउंट जो है आपका Instagram में, उसमें आपको वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से फिर आपको वो थ्री डैश पे जाना है जो लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, और उसके बाद सेटिंग पे आपको जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट में जाना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जो सेकेंड लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जी हाँ, जो प्रोफेशनल अकाउंट हमने क्रिएट किया है अब यहाँ पर हमको स्विच करना है। तो यहाँ पर फिर से आपको कुछ कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पर फिर एक बार आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। तो जो मैंने वीडियो क्रिएटर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ आएगा, आपको सिंपली डन करना है। डन करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला होगा क्रिएटर, दूसरा होगा बिजनेस। जी हाँ, अगर आप एक बिजनेस
मैन है, बिजनेस करते हैं और कोई प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाहते हैं या एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं इंस्टा पे, उसके माध्यम से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस वाले ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ताकि मैं बाद में इसमें वीडियोस पोस्ट करके यहाँ से मैं ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर पाऊँ, पैसे कमा पाऊँ। तो आपने देखा कि अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, पेज जो है वो बन चुका है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसमें स्विच होना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप जब चाहे अपने पर्सनल अकाउंट में आप स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप बिजनेस अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस आपको आपके इंस्टाग्राम में मिलता है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो उसी तरह आपको ये जो थ्री डैश आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो आपको थ्री डैश का निशान नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद आपको जाना है अकाउंट में, और अकाउंट में जाने के बाद एक सेकेंड लास्ट में, जी हाँ सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो सेकेंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विच अकाउंट टाइप। जी हाँ, मींस जो आपने पेज क्रिएट किया है, आप चाहे तो बिजनेस अकाउंट जो आपने बनाया है या पर्सनल अकाउंट जो है आपका, आप उसमें स्विच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट करेंगे, इस तरह से आपको स्विच करने का ऑप्शन आएगा और आप अपने बिजनेस अकाउंट में स्विच कर जाएंगे। और तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस अकाउंट में जब आप स्विच करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे आप इनसाइट्स आप देख सकते हैं, प्रमोशन आप अपने वीडियो या जो भी आप पोस्ट करते हैं उसका आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अलग से आपको मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। उसी तरह फिर मैं अकाउंट में जाकर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ और जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था वो एज ए क्रिएटर मैंने एक पेज बनाया है, तो यहाँ पे मुझे स्विच टू क्रिएटर अकाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने बिजनेस अकाउंट में मैं स्विच किया हूँ, जो मेरा बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएटर अकाउंट है, तो अब मैं यहाँ पर स्विच करके अपने क्रिएटर अकाउंट में आ सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ उसे मैं प्रमोट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो वीडियो जो है वो वायरल होता है या उस पर व्यूज़ आते हैं, उसके बाद जो स्पॉन्सरर होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप आपको देते हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। उसके बाद आपके वीडियो पे वो एड्स देते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, और जिसके बदले आपको पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप ट्रैफिक जनरेट कर पा रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम से एक अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे आपको पेज क्रिएट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आसानी से आप एक पेज क्रिएट कर पाएँ। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप उसे प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस अकाउंट से या अपने इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, कैसे व्यूज़ ला सकते हैं और कैसे आप स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं, सब कुछ आप जान पाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।